दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि अमेज़न को कैसे मिला उसका नाम? तो चलिए इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं। जेफ बेजोस ने एवरीथिंग स्टोर की स्थापना के लिए काफी मेहनत की। शुरू में उन्होंने अपनी कंपनी का नाम काडाब्रा INC रखा था। ये नाम जेफ ने मशहूर मैजिक स्पेल अवरा काडाब्रा से लिया था। अमेज़न की स्थापना 5 जुलाई 1994 में जेफ बेजोस ने की थी। एक दिन फोन पर वो अपने वकील टॉड टार्बेट से इस कंपनी का कोई लीगल मैटर डिस्कस कर रहे थे। तब उनके वकील ने जेफ को अपनी कंपनी का नाम बदलने की सलाह दी। उन्होंने कहा, ये नाम थोड़ा अजीब है। इस पर जेफ ने काफी गहन विचार किया। उन्होंने कई नाम शॉर्टलिस्ट किए, कोई नाम जमा नहीं। जेफ ने अपनी कंपनी का नाम दुनिया का दूसरी सबसे बड़ी नदी अमेज़न के नाम पर रखने का फैसला किया। उन्होंने अपने सबसे बड़े बुक स्टोर का नाम अमेज़न रखने की ठानी। गौरतलब है कि पहले इस वेबसाइट पर बुक्स ही मिलती थी। धीरे धीरे इस पर लगभग हर जरूरी सामान मिलने लगा। इस कंपनी का नया URL 1 नवंबर 1994 को रजिस्टर हुआ था। तब से लेकर इस कंपनी ने बहुत लंबा रास्ता तय कर लिया है। अब इसकी गिनती दुनिया की सबसे बड़ी ई-कॉमर्स कंपनियों में होती है।